BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैं हरजीत मल्होत्रा जालंधर पंजाब से हूं और 1990 से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं कैंटोनमेंट में अपने कुछ क्लाइंट से मिलने के लिए गया हुआ, तो वहां पर गैरिसन इंजीनियर ऑफिस में जब मैं गया तो वहां पर मैंने देखा कि एक जो गैरिसन इंजीनियर ऑफिसर है, इंचार्ज ऑफ द ऑफिस, उसकी नेम प्लेट नहीं लगी हुई। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने सोचा इनसे मिल लिया जाए। तो मैं उनके पीए के पास गया, अपना मैंने कार्ड दिया। तो क्योंकि वो आर्मी है, आर्मी में ऑफिसर्स जो हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शन पीए को देके रखते हैं कि इन लोगों से मिलना है, इन लोगों से नहीं मिलना। तो उसके उनके पीए ने मुझे जाते ही बोला, कहते इंश्योरेंस है आप साहब? तो इंश्योरेंस वालों को मिलते नहीं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप प्लीज मेरा कार्ड भेज दीजिए। तो मैं विश करने के लिए उनको आया, तो उन्होंने मेरा कार्ड भेज दिया। काफी देर मैं उनके ऑफिस के बाहर वेट करता रहा। करीब एक घंटे के बाद मैंने फिर से पीए को रिमाइंड कराया, कहते साहब की एक मीटिंग चल रही थी, उसके बाद अभी वो चाय पी रहे हैं, तो चाय पी के फिनिश होता है तो मैं आपको अंदर भेज। उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आपको साहब को मिल सकते हैं। तो गैरिसन इंजीनियर एक मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं। मैं उनके कैबिन में एंटर किया तो आर्मी का कुछ एक अपना प्रोटोकॉल होता है। मैंने उनको विश किया गेट के अंदर एंटर करते ही, तो उन्होंने सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी बोला कि आपको वेट करना पड़ा। कहते सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, आपको मेरी मीटिंग के कारण एक घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आई डोंट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, आप मेरे पास प्लीज इंश्योरेंस के लिए मत आइए। तो मैंने उनको एक स्माइल के साथ बोला सर मैं इंश्योरेंस के लिए आपके पास आया भी नहीं। मैंने उनको बोला सर मैं आपकी नेम प्लेट देखी, मुझे लगा कि आप नई पोस्टिंग पे आए हैं। जो नया बंदा बाहर से पोस्टिंग पे आता है, मालूम नहीं आप कौन सी स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ जलंधर में कई तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, आपके कई काम है जो आपको पता नहीं होगा। तो मैं तो ये चाहता था कि अगर आपको कोई मेरी जरूरत हो, आई एम एट योर सर्विस। वो मेरी इस बात से बहुत खुश हुए, तो उन्होंने मुझे सीट ऑफर की, मैं बैठ गया। फिर बातें शुरू होगी, कहाँ से पोस्टिंग आए हैं आप, इससे पहले कौन कौन से स्टेशन पे थे, पहले किस डिपार्टमेंट में आप, क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के होते हैं जनरली, ये इंजीनियरिंग रेजिमेंट से होते हैं। तो उनसे सारी बात हुई, फिर उन्होंने चाय मंगवा ली। चाय पे बैठे बैठे फिर मैंने उनके फैमिली के बारे में पूछा, उनकी वाइफ क्या करते हैं। वो भी नॉर्मली ऑफिसर वाइफ जो हैं कई बार कोई ना कोई छोटा मोटा वहां पर जो उनकी एसोसिएशंस होती हैं उनमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो पता चला कि उनकी बिटिया है करीब 1.5 साल एज है उसकी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने बेटी की एजुकेशन के लिए कोई प्रोविजन शुरू कर दिया होगा? कहते नहीं मल्होत्रा जी, अभी किया तो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसके लिए आप सजेस्ट कीजिए क्या चीज हो सकती है मेरे बच्चे के लिए। बस मैंने कहा ठीक है सर, मेरे पास आपका बायोडाटा आ गया है, मैं 2 दिन बाद आपको मिलता हूँ, इसके ऊपर वर्कआउट करके लेके आऊंगा, प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे, फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 2 दिन बाद मैंने उनकी प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद उनको फोन किया कि सर प्रेजेंटेशन इज रेडी, तो मैं आपसे मिलना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आज तो मेरी मीटिंग है, मैं बिजी हूं, अब कल के लिए रखिए। नेक्स्ट डे फिर मैंने, जनरली ऑफिसर जो हैं सुबह सुबह बहुत बिजी रहते हैं, मैंने दोपहर को फोन उनको किया, सर आपने आज का बोला था। तो कहते हाँ मल्होत्रा जी, मैं अभी अभी ऑफिस में निकला हूँ, बड़ा हेक्टिक रहा है मीटिंग्स में, तो नए नए में अभी सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे ठेकेदारों को मिलना और प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करना बड़ा टाइम लगता है, तो इस समय तो मैं घर जा रहा हूँ, तो हम आफ्टरनून में रखते हैं। जब मुझे उन्होंने बोला घर जा रहा हूँ तो मेरे एकदम से स्ट्राइक किया, मैंने कहा सर आप घर जा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, हम घर पे मिलते हैं, क्योंकि घर पे मैडम भी रहेंगे तो उनके साथ भी वो चीज़ डिस्कस हो जाएगी। आप जरूर अगर ऑफिस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप मैडम से जरूर डिस्कस करेंगे,
आप मैडम से जो उस समय बाद में डिस्कस करना है, यहाँ वन टू वन हो जाएगा, हम तीनों बैठ के एक चीज को डिस्कस कर लेंगे। उनको ये बात पसंद आई, कहते हैं हाँ मल्होत्रा जी बात तो आपकी ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए यहाँ पर इस लेन में मेरा रेजिडेंस है तो आप वहां पर आ जाइए। उन्होंने लोकेशन दे दी और कैंटोनमेंट में मैं वहां पर उनके घर चला गया। वहां बैठ के उनको मैंने सारी प्रेजेंटेशन बताई, कैसे बच्चे के लिए हर साल के लिए उनको हर साल एजुकेशन के लिए आफ्टर प्लस टू जो है पैसे मिलते रहेंगे, 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल रेगुलर उनको पैसे मिलेंगे और गारंटीड मिलेंगे, साथ में पेरेंट्स की इंश्योरेंस होगी उसमें, गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंड विद द पेरेंट्स बच्चे के लिए वो सिक्योरिटी जो है गारंटेड है। तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मुझे मेरे बच्चे की जो फ्यूचर है उसके लिए एक गारंटेड प्लान मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा, कहता है मल्होत्रा जी आप बताइए इसका प्रीमियम कितना था। तो मैंने उनको प्रीमियम कैलकुलेट करके बताया कि आपका अराउंड 1 लाख प्रीमियम बनेगा। तो उन्होंने उसी समय चेकबुक निकाली और मुझे 1 लाख रुपए का चेक जो है निकाल के दे। ये चीज मुझे उसके बाद उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग बनी, उनके कोई छोटा मोटा भी काम होता था वो मुझे उन्होंने याद करना। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कराया, वहां से बहुत सारा बिजनेस जनरेट हुआ। तो इस तरह आज भी वो जहां भी पोस्टिंग जा रहे हैं, इस समय तो उनकी प्रमोशंस काफी हो चुकी हैं, तो बड़े ऑफिसर बन गए। और आज भी जहां भी पोस्टिंग जाते हैं, अगर उनका मोबाइल नंबर चेंज होता है तो मुझे फोन करके बता देते हैं, मल्होत्रा जी ऐसा है। तो उनकी पॉलिसी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, ऑलमोस्ट 2 पॉलिसी रह गई, ऑलमोस्ट सारी मैच्योर हो गई। ये मेरी स्टोरी थी। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।